स्वागत करता हूं आपको ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में। स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है साउथ अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। तो आज का टॉपिक है साउथ अफ्रीका क्या क्या प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर रहा है, फिलहाल एक साल से इम्पोर्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ताकि आप उस प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर पाओगे। 2021 में साउथ अफ्रीका 93.5 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया वर्ल्ड वाइड, ज़्यादा करके साउथ एशियन कंट्री से, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इन द एशियन कंट्रीज एंड आपका अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, इवन मेक्सिको, अर्जेंटीना से भी इम्पोर्ट किया साउथ अफ्रीका, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया। ज़्यादा से ज़्यादा साउथ अफ्रीका इम्पोर्ट करता है मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कंप्यूटर्स एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका इम्पोर्ट करते रहता है। साउथ अफ्रीका का जो पॉपुलेशन है 60 मिलियन के अबव पॉपुलेशन है, और उनका जो पॉपुलेशन का जो उनका इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, इसलिए साउथ अफ्रीका काफ़ी सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता रहता है। इसीलिए आप लोगों को साउथ अफ्रीका को टारगेट करिए, साउथ अफ्रीका एंड आपका मॉरीशस दो कंट्री है जो अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, ये दो ही देश है जिनका इकोनॉमिक फिलहाल अच्छा है और परचेसिंग पावर अच्छा है। तो साउथ अफ्रीका को टारगेट करिएगा, और साउथ अफ्रीका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर हम वीडियोज बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो उस वीडियो अगर आप देखना चाहोगे, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका का वीडियो देख लीजिए, मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ इस वीडियो में कि साउथ अफ्रीका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, और कैसे आपको वहाँ से साउथ अफ्रीका से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। अगर आपने साउथ अफ्रीकन वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका। अभी मैं आपको बताऊंगा, लिस्ट करके बता रहा हूँ साउथ अफ्रीका क्या क्या प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन में, देख लीजिए और आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, और उस प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से साउथ अफ्रीका को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। तो पहला है मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, ये साउथ अफ्रीका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल, ये 15.4 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर और मशीनरीज के साथ 11.3 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इक्विपमेंट्स 8.6 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। व्हीकल्स का मतलब होता है ये हैवी व्हीकल्स हो सकता है और लाइट व्हीकल्स, कार्स वगैरह, बसेस, कार्स, ट्रक्स वगैरह, ये 6.4 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह 3.1 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। प्लास्टिक आर्टिकल्स 2.9 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। ऑप्टिकल टेक्निकल मेडिकल अपैरेटस ये जो है ये 2.2 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। केमिकल गुड्स 2 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। आयरन स्टील 1.8 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स 1.8 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। अभी आपको मैं बताऊंगा मिनरल फ्यूल प्रोडक्ट में साउथ अफ्रीका क्या क्या इम्पोर्ट किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोसेस पेट्रोलियम ऑयल 8.3 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। क्रूड ऑयल 5.4 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। पेट्रोलियम गैसेस ये 560 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। कोल सॉलिड फ्यूल मेड फ्रॉम कोल ये 393 बिलियन का इम्पोर्ट किया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 292 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। कोक सेमी कोक 189.9 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। पेट्रोलियम ऑयल रेसिड्यूस 140 बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया है। टायर पिच एंड कोक ये
46.3 मिलियन का इंपोर्ट किया है, पेट्रोलियम जेली मिनरल वैक्सेस 32.9 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, कोल टार ऑयल ये 9.2 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ साउथ अफ्रीका मशीनरीज में क्या क्या इंपोर्ट किया है, पूरा डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर्स ऑप्टिकल रीडर्स 2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, हैवी मशीनरीज बुलडोजर्स एक्सकेवेटर रोड रोलर्स 677.4 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, मशीनरी पार्ट्स 577.3 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, प्रिंटिंग मशीन 556.8 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, टैप्स वेल्व्स सिमिलर अप्लायंसेस 451.7 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, और ये कैट्रीफ्यूग्स फीटर्स एंड प्यूरीफायर्स 440.6 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, लिक्विड पम्प्स एंड एलिवेटर्स 426.8 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स गियर्स क्लॉचेस ये 383.4 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, एयर और वैक्यूम पम्प्स ये 333.8 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, और बाकी सब मिला के मशीनरीज जो है 320.9 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। अभी आपको दिखा रहा हूँ मेजर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में साउथ अफ्रीका क्या क्या इंपोर्ट किया है। मेजर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में फोन डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स 3.1 बिलियन डॉलर का उन्होंने इंपोर्ट किया है, इंसुलेटेड वायर केबल्स 46.4 मिलियन, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर्स पावर यूनिट्स 421.4 मिलियन डॉलर का, इलेक्ट्रिक स्टोरेज बैटरीज 390.1 मिलियन डॉलर का, लोअर वोल्टेज स्विचेस फ्यूजेस 375.4 मिलियन डॉलर का, टीवी ऑडियो राडर डिवाइस पार्ट्स 361.6 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हेयर ड्रायर्स 30.5 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, सोलर पावर एंड सेमीकंडक्टर्स 304.8 मिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिक मोटर्स जनरेटर्स 268.6 मिलियन, ऑन रिकॉर्डेड साउंड मीडिया 225 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। सो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया साउथ अफ्रीका क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किया था, वो भी आपको मैं लिस्ट करके आगे बता रहा हूँ। ज़्यादा करके वो साउथ एशियन कंट्री इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मेक्सिको अर्जेंटीना यूएस एंड यूरोपियन कंट्री से साउथ अफ्रीका इंपोर्ट किया है। जितने सारे प्रोडक्ट आपको बता दिया, ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह साउथ अफ्रीका इंपोर्ट किया है। इवन उनका जो हैवी व्हीकल्स बुलडोजर वगैरह जितना हैवी ट्रक्स बुलडोजर्स एंड आपका ट्रेलर वगैरह भी इंपोर्ट किया है। तो उस हिसाब से आपको मैंने पूरी डिलीस्ट करके बता दिया साउथ अफ्रीका क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, कहाँ से इंपोर्ट किया है, पूरी डिटेल्स में बता दिया। तो ये जो प्रोडक्ट है, जितने सारे प्रोडक्ट हम बता दिया साउथ अफ्रीका इंपोर्ट किया है, वो हमारा इंडिया का जो ट्रेड पोर्टल्स है 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स हमेशा आपको बताते रहता हूँ, ये देख लीजिए, ये है इंडिया का 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। ये इसी साइट में जाइए, इसी साइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आपका प्रोडक्ट जो साउथ अफ्रीकन प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट इन वेबसाइट में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा कौन है मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरर्स को कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आप बात करके वहीं से पैकिंग करके आपका प्रोडक्ट को आप साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो प्रोडक्ट खरीदोगे तो मैन्युफैक्चरर से खरीदिए, मैन्युफैक्चरर से पैकिंग करके आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का जो वेयरहाउस है आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको जो हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि अभी DHL में जाइए, DHL का वेबसाइट में जाइए, DHL वेबसाइट में जाके एक अकाउंट खोल लीजिए।
तो DHL में जो एयर कार्गो होता है, एयर कार्गो में आपको अच्छा डिस्काउंट देता है, तो आप DHL में जाकर आपका अकाउंट खोल लीजिए। तो जितने सर एयर कार्गो का एक्सपोर्ट होगा तो DHL के माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी का है आपके पास तो आप कोई भी एयरलाइंस को कांटेक्ट कर सकते हैं। हर कंट्री का जितने सारे वीडियोज़ है, हर कंट्रीज़ का वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो हर कंट्रीज़ का वीडियो में मैं बताते रहता हूँ उस कंट्री को कितने सारे एयरलाइंस फ्लाई होता है, ऑपरेट करते हैं, मैं बताते रहता हूँ। उन एयरलाइंस को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप, आपका बड़ा कंपनी है, बड़ा सेटअप है, आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास स्टाफ है, तो फिर आप उस स्टाफ को बता दीजिए, जो आपका जो मार्केटिंग स्टाफ है उनको बता दीजिए, जो एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करने के लिए। या अगर शिपिंग कंपनी को के द्वारा कॉन्टैक्ट भेजना चाहते हो, सी कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको मैं हमेशा बताते रहते हैं। इंडिया का एक अच्छा साइट है जो शिपिंग कंपनी का, बहुत सारे शिपिंग कंपनी का उनके उसमें लिस्ट रहता है, और शिपिंग कंपनी के द्वारा भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या एयर कार्गो के द्वारा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो साउथ अफ्रीका के लिए रेलवेज या रोडवेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको एयरलाइंस के द्वारा या सी कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर पाओगे। साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस फ्रिक्वेंटली फ्लाई होता है मुंबई, मुंबई टू साउथ अफ्रीका डायरेक्ट फ्लाइट है, तो आप साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस यूज कर सकते हो। या केनियन एयरवेज है, बहुत सारे साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका को जो फ्लाई होता है बहुत सारे एयरलाइंस है। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका मेरा वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, जाकर वो वीडियो देख लीजिए पूरी डिटेल्स में, तो आपको पूरी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा साउथ अफ्रीका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, साउथ अफ्रीका से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। और इस प्रोडक्ट को, जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया, साउथ अफ्रीका इंपोर्ट करते रहता है। 2021 में 93 बिलियन डॉलर का उन्होंने इंपोर्ट किया है। तो इसी प्रोडक्ट को आप सोच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फोन्स साउथ अफ्रीका इंपोर्ट करते हैं। भारत से, भारत में अभी नोएडा, दिल्ली, ये जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज अभी चालू हो गया, ये मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैं मोबाइल फ़ोन कंपनी को कॉन्टैक्ट करके, आप अगर लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप खुद का ब्रांड बना सकते हो, नहीं तो कोई भी जो ब्रांडेड कंपनी को भी कॉन्टैक्ट करके वहीं से खरीद के पैकिंग करके आप डायरेक्ट साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हो मोबाइल फोन्स। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बता दिया, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर वीडियोज हम बना चुके हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में बता दिया, कैसे एक्सपोर्ट करोगे और क्या क्या प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका इंपोर्ट करते हैं आपको बता दिया। अगर साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो साउथ अफ्रीकन एक्सपोर्ट। और आपका जो साउथ अफ्रीका का जो फ्रिक्वेंटली फ्लाइट से फ्रॉम इंडिया मुंबई टू साउथ अफ्रीका बता दिया, और साउथ अफ्रीका ट्रैवल करके आप मार्केटिंग कर सकते हो, और कैसे 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 आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आप मेरे पहले वाले वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका के बारे में, ठीक है। अभी और एक न्यूज़ है कि आर्मेनिया में, आपको बता चुका हूँ, आर्मेनिया में बॉर्डर खुल चुका है, कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हमें मेल भेजे थे आर्मेनिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अगर अभी आर्मेनिया में आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आर्मेनिया, रशिया, जर्जिया, ये जो कंट्रीज है, तो वहाँ पर ये कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारा कंपनी आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग में और एग्जीबिशन अटेंड में, अटेंडिंग ऑफ एग्जीबिशंस एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग, आपका डिजिटल मार्केटिंग, आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट वगैरह हम आपके लिए कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आपको मदद करेगा। तो जो भी कुछ है एक्सपोर्ट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपको मदद चाहिए, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी का, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का अंत में, लास्ट में मिल जाएगी। हमारा वेबसाइट www.tubrozcorporation.com पर जाकर कॉन्टैक्ट अस पेज में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, हमारा
जो कंपनी का ऑनलाइन क्लास एक्सपोर्ट हाउ टू एक्सपोर्ट, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉमेंट में लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, लिंक भी भेज देंगे कैसा और कब स्टार्ट होने वाला है, प्राइस यानी फीस क्या रहेगा, ड्यूरेशन कितना दिन का रहेगा। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो हम आपको मदद करेंगे, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में, ऐप डेवलपमेंट में, और आपका एक आपके लिए एक हम एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, हमारा जो न्यूज़पेपर्स है न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे और आपको मदद करेंगे कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर आने वाले दिनों में मिलते जाएगा। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल करिए या कमेंट्स में लिख लीजिए आपका डिटेल्स, तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। सो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।